Good morning, everyone. Continuing with our next topic, that is recent developments in development banking. First is diversification in activities. पहले जो development banks थे वो सिर्फ term lending करते थे, वो भी medium and long term loans की facilities सिर्फ provide करवाते थे. लेकिन over the years जो activities हैं development banks की वो diversified हुई हैं, multiplied हुई हैं. अब जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस के साथ साथ शॉर्ट टर्म के लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, एज वेल एज इसके अलावा अदर सर्विसेज भी देते हैं, जैसे टेक्निकल असिस्टेंस, अंडरराइटिंग प्रिपेयर करना, इवेल्युएशन करना, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की ट्रेनिंग देना एंटरप्रेन्योर्स को, कंडक्ट करना टेक्नो इकोनॉमिक स्टडीज, अंडरटेक करना मार्केट सर्वेज, इन्वेस्टमेंट सर्वेज, गारंटी प्रोवाइड करवाना लोन्स के लिए, एक्सेट्रा, जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं ये प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट इज इमर्जेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन. पहले जो डेवलपमेंट बैंक्स थे बहुत थोड़े थे. जो बैंक्स हैं उनका टारगेट मेनली था इंडस्ट्रियल सेक्टर, बट अब जो इंडिया में है बहुत सारे स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया है जो इनोवेटिव एरियाज हैं उनमें, ताकि उनकी नीड्स को जो फुलफिल है वो किया जा सके. जैसे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को सेटअप किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करने के लिए. एक्सिम बैंक को सेटअप किया गया मेनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेक्टर की क्रेडिट नीड्स को कैटर करने के लिए. नाबार्ड को सेटअप किया गया फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस. मुद्रा बैंक को सेटअप किया गया क्रेडिट नीड्स जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यूनिट्स की हैं उनको कैटर करने के लिए. नेशनल हाउसिंग बैंक को सेटअप किया गया एज अ एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हाउसिंग फाइनेंस की नीड को फुलफिल करने के लिए. और अब जो है वो है एरिया स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन विद कमर्शियल बैंक्स. रिसेंट ईयर्स में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने डाइवर्सिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया है थ्रू देयर मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन. पहले ये जो मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज है वो सिर्फ डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड करवाते थे, लेकिन बेटर और इंटेंस ब्रांच नेटवर्क के साथ अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो डायरेक्ट टच में हैं कमर्शियल बिजनेस यूनिट्स के साथ. तो अब उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करवाना शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स के साथ. इन द ईयर 2002 ICICI जो है उसे इनिशियली जब सेटअप किया गया था एज अ डेवलपमेंट बैंक और बाद में उसे कन्वर्ट कर दिया गया इनटू कमर्शियल बैंक जिसे ICICI बैंक के नाम से आप जानते हो. सिमिलरली 2004 में IDBI को सेटअप किया गया था एज अ डेवलपमेंट बैंक और बाद में उसे कन्वर्ट कर दिया गया कमर्शियल बैंक में विद द नेम IDBI बैंक. तो जो डिफरेंस है अब कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक्स में वो कम होता जा रहा है, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी मर्चेंट बैंकिंग की फैसिलिटीज अब प्रोवाइड करवाने लगे हैं. तो जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उन्हें इंक्रीज्ड कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है. नेक्स्ट इज इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. जो वर्किंग है डेवलपमेंट बैंक्स की फुली कंप्यूटराइज्ड हो गई है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो गई है. डेवलपमेंट बैंक्स भी ई बैंकिंग प्रोवाइड करवाते हैं, 24/7 बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं. पहले जब आपको IPOs निकालने होते थे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को तो बहुत सारा पेपर वर्क होता था, लेकिन अब ई IPOs आप निकालते हो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए. तो जो यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने डेवलपमेंट बैंकिंग को कन्वीनियंटली अपनी जो फैसिलिटीज है वो अपने क्लाइंट्स तक, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स तक पहुंचाने के लिए हेल्प की है. नेक्स्ट इज चेंज इन टाइप ऑफ लेंडिंग. इनिशियली जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो टर्म लोन्स प्रोवाइड करवाते थे सिर्फ बिजनेस यूनिट को, अब जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करवाते हैं लॉन्ग टर्म के अलावा भी. तो जो लेंडिंग एक्टिविटीज़ है डेवलपमेंट बैंक्स की वो वाइडन हो गई है. देन स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ RBI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ RBI और कंट्रोल जो है RBI का उनके ऊपर रहता है. जैसे जो बेसल थर्ड जो है इंटरनेशनल रेगुलेटरी अकॉर्ड के अकॉर्डिंग उन्हें इम्प्रूव हुई है रेगुलेशन सुपरविजन रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स का, और जो मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो है इन बैंक्स को भी इम्प्रूव करना पड़ता है. तो जो कैपिटल बेस्ड इनका है वो इम्प्रूव हुआ है ताकि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो को मेंटेन किया
जा सके. देन इंक्रीजिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो लेंडिंग एक्टिविटीज़ है डेवलपमेंट बैंक्स की वो इंक्रीज हुई है. फाइनेंशियल असिस्टेंस जो सेंक्शन की है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने वो इंक्रीज हुई है रिसेंट पास में. जैसे 1970-71 में जो थी वो थी 160 करोड़ रुपीज़, और उसी को अगर हम कंपेयर करते हैं 2017-18 में तो वो इंक्रीज होकर हो गई है 154372 करोड़. तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग जो रोल है फाइनेंसिंग का बिजनेस यूनिट्स में. देन आपका इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मेन डेवलपमेंट्स इन डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया, जो ये टॉपिक है इसमें हम जो भी हमारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं इंडिया में हम उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या कब वो एस्टैब्लिश हुए, क्या क्या वो मेन फंक्शंस करते हैं. तो हम कौन कौन से बैंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ IFCI, ICICI, IDBI, SIDBI, IIBI, SFCs, SIDCs, IIFCL, Exim Bank, NABARD एंड NHB. सबसे पहला है हमारा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये जो एस्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था जुलाई 1948 में अंडर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट. ये जो कॉरपोरेशन है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करवाती थी बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को. इनिशियली इसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी वो 10 करोड़ रुपीज़ थी, जिसे 1999-2000 में इंक्रीज करके 1000 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया था. और इसके जो शेयर्स थे वो परचेज किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, LIC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो है पब्लिक सेक्टर के उन्होंने जो शेयर्स परचेज किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उन्होंने उसे बाद में ट्रांसफ़र कर दिया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को, IDBI को, जब वो एस्टैब्लिश हुआ था 1964 में. प्रेजेंटली जो 50% शेयर्स हैं IFCI के वो IDBI के पास है. तो जो ये कॉरपोरेशन है किस तरीके से ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है, लोन देती है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, अंडरराइट करती है शेयर्स एंड डिबेंचर्स को, लोन देती है फॉरेन एक्सचेंज में, सिक्योरिटी देती है लोन अगर आप रेज कर रहे हो इंडस्ट्री से, ओपन इंडस्ट्री रेज कर रही है ओपन मार्केट से, बाय करती है स्टॉक्स एंड शेयर्स को, सिक्योरिटी गारंटी देती है फॉर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. 2017-18 में IFCI ने 7216 करोड़ रुपीज़ के लोन सेंक्शन किए हैं. ये जो कॉरपोरेशन है इसे क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है इसकी फंक्शनिंग को, जो कॉरपोरेशन है ये लोन तो दे देती है लेकिन डिफ़िकल्टी होती है इन रिकवरिंग दी लोन, बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट. देन फेवरेटिज्म करती है वाइल एडवांसिंग लोन्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट. जो फंक्शनिंग है वो इन्फ्लुएंस होती है ऑफिशियल्स और इंडस्ट्रियलिस्ट से. तो जो थोड़े बहुत जो गिने चुने फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सिर्फ उन्हीं को लोन मिल पाता है. एडमिनिस्ट्रेशन इन एफिशिएंट है, सेंक्शन और डिस्पर्समेंट जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है लोन का वो डिले होता है. अंडरराइटिंग की जो जॉब है कॉरपोरेशन की वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. लेस असिस्टेंस देती है बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को. तो जो कॉरपोरेशन है वो फेल्ड हुई है इन सुपरवाइजिंग द इंडस्ट्रीज टेकिंग लोन्स. देन नेक्स्ट इज ICICI. ये जो था जॉइंट एग्रीमेंट हुआ इंडिया, USA और UK के बीच में, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन आपका एस्टैब्लिश हुआ January 5, 1955 में. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था लोन देना डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को, इनकरेज करना इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक और एक्सटर्नल कैपिटल की इंडस्ट्रीज में, और इनकरेज करना प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज. जो ये कॉरपोरेशन था इसे मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते थे. इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो वो इंडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन इन्वेस्टर्स थे बोर्ड में, और एक जो मेंबर था बोर्ड में वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट करता है. इन 2001 जो इसकी पेड अप कैपिटल थी वो 2090 करोड़ रुपीज़ थी, और पूरी जो इसकी कैपिटल थी उसमें 70% इंडियन था, 20% ब्रिटिश था और 10% अमेरिकन पार्टिसिपेशन था. जो इंडियन कैपिटल है उसे रेज बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने किया था. इसके जो मेन फंक्शंस थे वो क्या थे, परचेज करना न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स को प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के, अंडरराइट करना उनके शेयर्स एंड डिबेंचर्स को, गारंटी देना लोन्स के लिए, टेक्निकल एंड मैनेजरियल असिस्टेंस देना इंडस्ट्रीज को, हेल्प करना उनकी मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लोन देना उन्हें फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, फॉरेन एक्सचेंज देना उन्हें फॉर द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स.
ICICI बहुत सक्सेसफुल रहा इन प्रोवाइडिंग लोन्स ऑफ लार्ज अमाउंट टू इंडस्ट्रीज. इवन ये लोन फॉरेन एक्सचेंज में भी प्रोवाइड करवाता था. इन द ईयर 2001 ICICI ने जो लोन सेंक्शन किए थे वो थे 55820 करोड़ रुपीस के टू वेरियस इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस यूनिट्स. ये इसकी अचीवमेंट रही है कि इसने लोन प्रोवाइड करवाए हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, बैकवर्ड एरियाज में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको. और इसकी जो मर्चेंट बैंकिंग की डिवीजन है उसने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत एफिशिएंटली काम किया है. ICICI ने सेटअप किया ICICI एसेट मैनेजमेंट कंपनी को. इसके अलावा इसने प्रमोट डिफरेंट कंपनीज को किया, जैसे क्रिसल को प्रमोट किया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रमोट किया. मार्च 2002 में ICICI को कन्वर्ट कर दिया गया ICICI बैंक में. और अब ICICI एग्जिस्ट नहीं करता एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज अ कमर्शियल बैंक वो एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट जो हमारा इंस्टीट्यूशन है दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI. इसे एस्टैब्लिश किया गया था इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसमें जो गैप्स हैं फाइनेंस के, उसकी नीड को कैटर करने के लिए, उसको फिल करने के लिए. तो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप हुआ था 1964 में. जो डेवलपमेंट बैंक है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था एज अ सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ऑन फेब्रवरी 16, 1976 इसे इंडिपेंडेंट कर दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से. और जो बैंक है उसे मैनेज उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं जिसमें 24 मेंबर्स होते हैं. और जो चेयरमैन है उसे अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और वाइस चेयरमैन रिजर्व बैंक. 18 जो मेंबर्स होते हैं बोर्ड की वो भी अपॉइंट सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट करती है. और रिमेनिंग जो 4 मेंबर्स हैं उसे शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं. जो IDBI है वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस. जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे वो थे लोन देना बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, इन्वेस्ट करना शेयर्स में इंडस्ट्रियल कंपनीज के, अंडरराइट करना उनके शेयर्स को, प्रोवाइड करवाना टेक्निकल एंड मैनेजरियल असिस्टेंस इंडस्ट्रीज को, प्रमोट करना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैकवर्ड रीजन्स की, इनकरेज करना ग्रोथ स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज की, प्रमोट करना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज को. जो वर्किंग है IDBI की उसे भी क्रिटिसाइज किया जाता है और किस पॉइंट्स के साथ क्रिटिसाइज किया गया है कि उसका जो रोल है अंडरराइटिंग शेयर्स करने में, डिवेंचर्स जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के हैं उन्हें अंडरराइट करने में, वो ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं रहा है. IDBI ने जो सेंक्शन किए हैं लोन्स मोस्टली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को किए हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है. उसने ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया है इन प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड मैनेजेरियल असिस्टेंस. इन सब क्रिटिसिज्म के बावजूद जो IDBI है उसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. इन द ईयर 2003-04 IDBI ने सेंक्शन किए लोन्स वर्थ 5631 करोड़ रुपीस. फ्रॉम अक्टूबर 2004 जो IDBI है उसे कन्वर्ट कर दिया गया इनटू IDBI बैंक. तो कन्वर्शन के बाद अब IDBI जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो एग्जिस्ट करता है एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक. देन नेक्स्ट जो हमारा इंस्टीट्यूशन है दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.